उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जोधपुर सहित पूरे देश में एक बार इस शताब्दी की नई दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। लोगों में उत्साह है और लोग जिस तरह से उत्साह मना रहे हैं, जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं और कई तरह की कलाकृतियाँ हमारे सामने आ रही है। जिस तरह से भगवान श्री राम लल्ला का भव्य मंदिर में पहुँचेंगे और भगवान श्री राम आ रहे हैं तो उन्हीं के स्वागत के लिए जोधपुर में एक स्टोन आर्टिस्ट है कविता, उन्होंने ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग के जरिए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया है। और भगवान श्री राम आएंगे तो उनका स्वागत हनुमान जी करेंगे। आप देख रहे हैं हनुमान जी शीश झुकाए हुए फूलों से स्वागत कर रहे हैं और भगवान श्री राम अपने विमान में यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी है। इस पेंटिंग को देखने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं और ये पेंटिंग आज बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा है क्योंकि ये सुबह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी आप देख रहे हैं अपने विमान में पहुंच रहे हैं और हनुमान जी शीश झुकाए आशीर्वाद ले रहे हैं। अब यहाँ से जो स्टोन आर्टिस्ट है इनसे बात करेंगे, ये खूबसूरत पेंटिंग क्यों बनाई गई और आपके मन में क्यों आया कि ये जो इस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। कविता जी आपका ABP न्यूज़ में स्वागत है, आप बताइए आपके कैसे जहन में आया कि इस तरह से आपको भगवान श्री राम का मंदिर बनाना चाहिए, क्या कुछ है आपकी इच्छा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा राम मंदिर जो है उनका उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, तो क्योंकि मैं रंगोली आर्टिस्ट हूँ और रंगोली बनाना मुझे पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना राम जी पे एक रंगोली बनाई जाए, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आपको कितना समय लगा ये खूबसूरती ये आपके दिमाग में कैसा है, किस तरह से बनाना है आपको ये सारी चीज़ें, जिस तरह से आपने एकदम जीवंत उदाहरण दे दिया है जैसे प्रतिमा बोलेगी जैसे लग रहा है। ये जो है मैं चाहती थी कि लोग ये पूरा सीन देखें कि कैसे राम जी पधारेंगे और राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है तो वही उनका स्वागत कर सकते हैं, वही है तो वो उनका स्वागत कर रहे हैं और राम मंदिर जो हम सौभाग्य है हमारा कि हमारे सामने बन रहा है तो इसलिए यहाँ पे ये बनाया मैंने। अच्छा, जिस तरह से अभी मुझे बताइए कितना समय लगा आपको ये बनाने में? इसको बनाने में सब 12 घंटे लगे अभी तक। 12 घंटे से लगातार आप देख रहे हैं कि एक छात्रा है जो यहाँ पर मौजूद है और सुबह से ये मेहनत कर रही है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के सहित उनके जो भक्त है भगवान श्री राम हनुमान उनके भी प्रतिमा बनाई है, खासतौर से जो स्टोन आर्ट से उनके भी प्रतिमा को उकेरा है और खूबसूरत ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये जोधपुर के क्लॉक टावर का है जहाँ पर लोग लगातार देखने पहुँच रहे हैं और ये जो खुशी का माहौल है इसमें हर कोई आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, कई तरह की नई नई चीज़ें सामने आ रही है। उसमें ये खास तौर से जोधपुर का ये दृश्य बहुत खास है। जोधपुर से करणपुरी ABP न्यूज़। आई थिंक the new temple, I think it looks great, I think it will be fantastic and I hope to visit it one day, I think it will be really nice. You just going to Ayodhya, you see the temple now? Here? You going to Uttar Pradesh, Ayodhya and see the temple? Yes, hopefully, in March. Yeah. That would be nice. Yeah. Are you from? Where? Are you from? London. Yeah. You are London. You guys, the painting is, would you like? The artist and then painting is... Fantastic, fantastic artist. That's due to be completed in time for the 22nd, 22 January. 22 January. Yeah, so Jai Shri Ram. Yeah. And there was an article in the BBC news about it as well, which I read this morning, talking about how the town had been changed to accommodate for the building of the temple. So there were lots of disruption to the town and building works in the area so that the temple could be built and so that all of the facilities could be developed for the forthcoming visits of all of the Hindu worshippers that want to come and visit the new temple. You see the Ayodhya temple now? I've seen photographs of it almost finished, so it's due to be finished for 22. Then Hindu countries is the 500 years the fighting. Yes. Understand, yes. Yeah, so the whole town has been changed to accommodate for the new temple and the infrastructure has evolved so that it can accommodate for the visitors to the temple as well. So I know lots of things are changing in Uttar Pradesh. I think it's go back to Ayodhya. Yeah, it's in the BBC you can see an article today, so they talk about it. So it's very famous. Joanna. Thank you.